नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। प्रधानमंत्री कार्यालय इस समय पोस्ट बॉक्स की तरह काम कर रहा है। जी हां, यह बात हम नहीं बल्कि आईआईटी गुवाहाटी के डायरेक्टर टीजी सीताराम साहब कह रहे हैं। डायरेक्टर साहब की माने तो मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पीएमओ पोस्ट बॉक्स की तरह हो गया है, जहां शिकायत पत्रें तो डाल दी जाती हैं लेकिन उस पर एक्शन नहीं होता। अब देश के सर्वोच्च व्यवस्था पर यह प्रश्न चिन्ह लगे तो इसे गंभीरता पूर्वक लेने की ज़रूरत है। यह मजाक नहीं हो सकता, यह बात कतई भी मजाक में नहीं लिया जा सकता है। सुनिए किस प्रकार आईआईटी गुवाहाटी के डायरेक्टर साहब रुतबा दिखाते हुए सीधे ही प्रधानमंत्री कार्यालय को कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। आखिर टीजी सीताराम ने यह बात क्यों कही, इस बात को हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल कैंपस के छात्र कुछ मुद्दों से परेशान थे। पहले उन्होंने अपनी समस्या संस्थान के एचओडी को बताई, लेकिन जब एचओडी ने उनकी बात नहीं सुनी तब उन्होंने डायरेक्टर से अवगत कराया इस बात को। लेकिन घमंड में चूर डायरेक्टर साहब ने छात्रों की एक न सुनी, जिसके बाद छात्र तंग आकर प्रधानमंत्री कार्यालय को उन्होंने पत्र लिख दिया। पीएमओ को पत्र लिखे जाने के बाद डायरेक्टर टीजी सीताराम सकते में आ गए और उन्होंने छात्रों को मिलने के लिए बुलाया। लेकिन जब छात्र मिलने आए तो डायरेक्टर साहब छात्रों को हूल देने लगे और शब्दों के तीर के जरिए छात्रों को घायल करने की कोशिश करने लगे। छात्रों और डायरेक्टर के बीच की बातचीत की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हालांकि छात्रों ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह रिकॉर्डिंग हमें दी है। छात्रों का कहना है कि अगर उनके नाम सामने आ गए तो उनको जानबूझकर और परेशान किया जाएगा। रिकॉर्डिंग को आप भी ध्यान से सुनिए और डायरेक्टर साहब के धौंस को सुनिए और उनके बारे में दो चार शब्द लिखना भी जरूर न भूलिएगा। इट विल अफेक्ट अस नन ऑफ आवर फैमिली सर्कल। इट इज अफेक्टेड यू बिकॉज़ इमेज ऑफ द इंस्टीट्यूट इज गॉन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर यू आर डिस्कसिंग आई वांट यू टू राइट एन अपोलॉजी लेटर देन ओनली अदरवाइज विल सस्पेंड यू। नो डिस्कशन। You have to write a very strong apology letter to the head of the department saying that what you have done is fine. What you have done is not correct. If you are not able to do it, please leave the institute. Or go to the court. Let court solve it. I'm not worried about it. Let us see which pocket is very long. Your pocket or the institute pocket. You have to tell me. Then only I'll proceed. No other discussion, no guide, business. Sir, if that is... The case, if you don't want, you leave. No problem. We will give you a chance as a student. Humanitarian ground will definitely fix you with somebody. Don't worry about you. If somebody is not taking the guide, I will see that you will be taking the guide. But you have to apologize for this. Will you do that? Tell me. Sir, for the print media and for that open letter, I'll definitely apologize. Which one you are not going to apologize? Sir, the PMO complaint. Yeah? The PMO complaint. Why? Sir, PMO will not do anything for you. Let me tell you frankly, they will simply forward it. Please look at what is that. You don't seem to understand. PMO will come and Prime Minister will not ask professors of the institute what you have done is wrong. They will only say, because you have written, it is like a post box. Please understand. तो आपने सुना किस प्रकार आईआईटी गुवाहाटी के सर्वोच्च पद पर बैठे डायरेक्टर टीजी सीताराम अपने पद का ध्वंस दिखा रहे हैं। वे छात्रों को चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि वे छात्रों को टर्मिनेट कर देगा, लेकिन आईआईटी में किसी भी छात्र को टर्मिनेट करने के नियम हैं। कोई भी व्यक्ति कितने ही बड़े पद पर क्यों न बैठा हो, उसे नियमों के तहत चलना होगा। लेकिन यहाँ डायरेक्टर साहब तो नियम कानून से भी बड़े हैं। ऑडियो क्लिप में डायरेक्टर साहब कोर्ट की अवमानना भी करते हुए सुनाई दे रहे हैं। डायरेक्टर साहब के ध्वंस की दास्तान यहीं नहीं रुकती है, वह प्रधानमंत्री कार्यालय को भी चुनौती दे रहे हैं और पीएमओ को पोस्ट बॉक्स बता रहे हैं। उनका कहना साफ है कि पीएमओ में शिकायत करने के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगा। आखिर उच्च पदों पर बैठे लोगों में यह कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? क्या हमारा सिस्टम ही ऐसा है? अगर आप बड़े पदों पर हैं तो आप निश्चिंत रहिए
और नियमों का उल्लंघन करते रहिए, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन नियम और कानून सिर्फ गरीबों पर लागू होंगे। अगर ऐसा ही सिस्टम चलता रहा तो आने वाले समय में एक विद्रोह की ज्वाला ऐसे प्रपुष्टित होगी कि पूरे देश को जलाकर राख कर देगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोकसेवा न्यूज।